फाड़ो। सुनते बचने पुनि और अभी महाराज हाँ आदेश दें, क्या करना है महाराज, छोड़ना है मारना है अभी नहीं। अच्छा अच्छा पहले पूछ लीजिए। राजसेवक महाराज इधर आओ। हाँ महाराज बताइए। वाणी प्रसारण वाणी के बच्चे ये बताओ तो कौन कहां से आया है, कुछ अपने ही बात पता बन रहे और दान उजाड़ा क्या मेरा क्या कारण है पतला बन रहे। अरे लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं, देखिए ढेट निरंक से मेरे प्रताप से डरा नहीं। माता थोड़ी देर मारा समाज से अनुरोध है कि आज विश्राम दिवस है, अरे एक घंटा और बैठ लीजिए। हाँ मारा क्यों अक्षय कुमार मेरा, तेरा क्यों न संहार करूं, लेकिन तू ही अपने मुख से कह दे तो से कैसा व्यवहार करूं। अरे कानक बिंदु है श्री रावण जी के, ध्यान देकर सुनना। सुन रावण ब्रह्मांड ने कहा पाए जास बल बिछड़ी माया, जिसके बल को प्राप्त करके संसार में ये माया विचरण करती है। जावल शीश धनुष से शासन अन्य कोष समेत गिर कारण, जिसके बल और प्रताप से शेष कच्छा बराय भूखंड का प्रहरण किए हुए है इस पृथ्वी को। खर दूसर तीसरा अरबाई बजे सकल अतुलित बलधारी, जाके लौले से जिते चराचर झार, ताश दूत मैं तू हर अलह पीलार। तुमने कहा कि बाग क्यों जाड़ा, फल खाए प्रभु लागी भूखा, कप स्वभाव से तोड़े रूखा, सबकी देव परम प्रिय स्वामी, मारह मोय कुमारक गामी, जिन मोह मारे तिल मह मारे, तय पर बाधे तले तुम्हारे, मोर नहीं कछ बाधे कर लाजा, केल चाहा प्रभु निजकर काजा। इसलिए पहे प्रभु बिनती करह जोर कर रावण, बिनती करो जोर करी रावण, सुनो मान तज मोर सिकावल, जाके बल निज काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, ताशे बैर कभौला कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। तुम्हारे कहे तुम शिक्षा दोगे मुझे, तच्छ वनर जिसके दसों सिरों में दसों दिशाओं का ज्ञान एवं विज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, तब शिक्षा दोगे। अधम सिखावन नाकस मोहे, मृत्यु निकट आई खल तो है, ए राक्षसो इस बानर का अभी पद कर दो। नहीं महाराज, सुनते बचन पुनि मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हे महाराज ये आप क्या करने के लिए जा रहे हैं, इस बंदर को जान से मार रहे हैं, लेकिन नीत विरोध हो न मारिए दूता, दूत को मारना नहीं चाहिए, ये नीत के विरुद्ध कार्य है, इसे कोई और दंड दे दें आप। अवश्य नीत विरोध न मारिए दूता, सरकार इसको अन्न दान दंड दिया जाए तो इसकी पूछ कब के ममता पूछ पर सबई कहा समझाए, तेल बोर पुनि बांध पट पावक देव लगाए, इसकी ममता पूछ पर है इसलिए इसकी पूछ जला दी जाए। ठीक है महाराज, यही दंड इसके लिए पर्याप्त। अभी ले बंदरा तेने मुहि बहुत रगड़ो भाई ना, तोरी पूछ मागी लगाऊ थो हैं, हमारी पूछ में आगी। हाँ तेरी पूछ में आगी लगा दूंगा। तो तुम्हारा मकान कहाँ है? मेरा मकान मेरा मकान उसके का नाम है तारापत के घर के बगल में परत है। तुम्हारे मकान से प्रारंभ हो गई है, मैं बता भी ना करी हूँ, जान जाएंगे। मेरा न मकान में न छत है न दीवार है और फर्स्ट क्लास का मकान है, ऐसे धरती में परो रहा तो बस स्टाफ में डरो रहा तो रुक जा लगा दे दे पूछ मागी, अजब आगी लगा दे ना उसको उसको घूमिए अम्मा न कह पाइए। पूछ खाली है
खाली रहन दे ले ए बंदरा ए लगा दे दे वहीं करो। और भारत भैया गोरखा वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं, धन्यवाद। हाँ रुक जा बंदरा, लंका कहाँ है भैया? जय श्री राम, जल्दी निकलो। हाँ जाओ ऊपर देखो। और जला दी जला दी जला दी, एक बानर ने लंपा जला दी, जला दी जला दी जला दी, एक बानर ने लंपा जला दी, एक बानर ने लंपा जला दी। माई लेटी है का वहाँ? हाँ मोर घर जला दिया है, मेरा घर जला दिया, मेरे घर में लोग डाला तो सब घर जला दिया। वो मोर 9 महीना का गाभिन पड़वा बंद हो रहा है। अरे चाहिए चाहिए कुछ तो बचा ले, कुछ न बचा पावा तो अपने पेटी कोट के नारे बचा ले। पानी ना डालना किसी के ऊपर, ना डालो ना डालो, सब जाग रहे हैं। जला दी जला दी जला दी, एक बानर ने लंका जला दी, जला दी जला दी जला दी, एक बानर ने लंका जला दी। सब लंका जारी, कूच परापुली सिंधु बजारी, जलाती जलाती जलाती, एक बानर ने लंका जलाती, एक बानर ने लंका जलाती। बताओ, अरे जल गई जल गई, अरे पूरी जल गए, अरे अरे कुछ तो बचा ले। देखो कुछ लोग ताप रहे हैं, देखा तो कौनों का घर जले कौनों का उजियार हो। कैसा पाँव पाँव दिखा दिखा तापत हैं। ताप लिया ताप लिया, मोर घरा बर हो है, ताप लिया ताप लिया। जब रावण बरी तो मैं तप ही हूँ। अरे उन वनवासियों ने चारों फाटकों को घेर लिया। और हीरा लाल जी अहरबार अलकछवा वालों की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं हमारे भाई सुरेश जी को। अब देखिए यहां से लक्ष्मण शक्ति की पावन लीला शुरू हो रही है। और रामचरितमानस का बड़ा सुंदर प्रसंग है, जो लोग रामायण पढ़ते हैं या जानते हैं तो रामचरितमानस में विशेष प्रसंग है लक्ष्मण शक्ति। अब यहीं से ये प्रसंग शुरू हो रहा है, आशा है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, धन्यवाद। सरकार सरकार की जीवन की जय जयकार हो, सरकार जीवन की जय जयकार। क्या समाचार है महाराज? उन वनवासियों ने चारों फाटकों को घेर लिया है, चारों द्वारों पर आक्रमण कर दिया है, और आधी से ज्यादा सेना मारी गई है। तो जाओ बेर पर आक्रमित पुत्र इंद्रजीत को बुला के लाओ। आओ महाराज, महाराज युवराज मेघनाथ जी आओ, तुम्हें मैं चाय बना के पिलाऊंगा। आ रहे हैं महाराज मेघनाथ जी। पिताजी की जय, दुश्मन की छे, पिताजी का हो गोलमाला, दुश्मन का हो मुंह काला। इंद्रजीत, जैसा कि सभी जानते हैं आज लंका के चारों द्वार पर उस शत्रु ने मानवी सेना के द्वारा आक्रमण किया है, इसलिए आज का प्रमुख युद्ध तुम्हारे द्वारा होना चाहिए ताकि युद्ध आज ही समाप्त हो जाए। पिताश्री आप चिंता न करें, मैं इसी समय रणभूमि में जाऊंगा और
उन दोनों तपस्वियों को आज रण में जौहर दिखाऊंगा। जाओ वीरता, आप चिंता न करें, आप आज्ञा प्रदान करें। आज्ञा एवं आशीर्वाद। जाओ विजय सभा। हर हर महादेव। और आप हमारे आदरणीय प्रधान जी के प्रतिनिधि श्री गोपाल सिंह जी और श्री राम गोपाल सिंह जी राजपूत, श्री भूपेंद्र सिंह जी उर्फ भूप सिंह जी राजपूत और श्री तारापत सिंह जी राजपूत, आप सब लोगों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। धन्यवाद। कहा है वो पापियों के पाप को अधर्म के विनाश को, पापियों के पाप को अधर्म के विनाश को, राम जी की सेना चली, 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 एक से एक बनी, राम जी की सेना चली, हरे हरे महादेव। आए मेरे सामने, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। ओ सेवक, इधर। कहां है वो? वो लंका जला गया था वो हनुमान, आज ये घन्नाथ युद्ध के लिए ललकार रहा है रणभूमि में। अच्छा, ये इसको लाया है तू? इस दुधमुए बच्चे को लेकर आया मेरे सामने? अभी ग्रेप वाटर पीता है। अच्छा, ए तुमने इससे युद्ध किया? महाराज युद्ध किया, लेकिन मैं सोच रहा था कि काल लड़का सयानी करना है। अच्छा, छोड़ दिया, अब तुम लड़ो। अच्छा, तुम नहीं लड़ोगे? ए तपस्वी बालक, कहा गया तेरा वो भाई? वो छुपकर बैठ गया है और तुझे भेज दिया मेरे सामने।